जय सियाराम। स्वागत है आप सभी का हनुमान न्यूज चैनल पर। दोस्तों, पहले के समय में व्यक्ति के पास जितना संसाधन होता था उतने में ही काम चल जाता था, परंतु वर्तमान समय में प्रत्येक आदमी को कर्ज लेना पड़ता है, चाहे गरीब हो या अमीर। गरीब के पास इतना पैसा होता नहीं, इसलिए शादी विवाह घर मकान के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है, और अमीर आदमी को अपने इनकम टैक्स की बचत के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं या किसी अन्य रूप में कर्जा आपके ऊपर है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। केवल 2 महीने के अंदर आपका कर्जा उतर जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर बहुत बड़ी रकम है तो उतरना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। छोटी मोटी अमाउंट है तो 2 महीने में उतर जाएगी। आज जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग बहुत तेजी से असर करता है। उपाय करते समय हमेशा पॉजिटिव रहें तो ये उपाय जल्द से जल्द अपना असर दिखाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उपाय कैसे करना है, क्या करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही ज्योतिष की जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जो सामग्री आपको बताने जा रहा हूँ वही वस्तुएं आपको लेना है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा। आपको मिट्टी के 9 दीपक बाजार से लेकर आना है और साथ में कच्चा सूत भी लाना है। कच्चा सूत सफ़ेद ही होना चाहिए, दूसरे कलर का कोई धागा नहीं चलेगा। कच्चा सूत पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। शुक्रवार की शाम को कच्चे सूत के 9 धागे तोड़ने हैं, अपनी मिडिल फिंगर के बराबर के। अब इन 9 धागों को एक साथ मिलाकर एक बत्ती बना लेना है। फिर जो आप मिट्टी के दीपक लाए हैं उनमें से एक दीपक में सरसों का तेल भरकर इस कच्चे सूत की बत्ती को डुबा देना है। फिर दीपक में 5 फूल वाली लौंग और 5 काली मिर्च डाल देना है। बिना फूल वाली लौंग नहीं चलेगी। अब इस तेल से भरे दीपक को अपने बेड के पास सिरहाने लेफ्ट या राइट तरफ रखकर सो जाएं, या सिर के ऊपर कोई स्थान रखने का हो वहां भी रख सकते हैं। ध्यान से दीपक इस प्रकार रखें कि दीपक का तेल फैले नहीं, नहीं तो आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं। फिर दूसरे दिन यानी शनिवार को सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर ये दीपक ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें। अगर पीपल का वृक्ष पास में ना हो तो ऑप्शन के तौर पर हनुमान जी के सामने मंदिर में जला दें, ये सेकेंड ऑप्शन है। जहाँ तक हो सके पीपल के नीचे ही दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में कर्ज की रकम को ध्यान कर सोचें कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ, ऐसे सकारात्मक विचार रखें। ये काम आपको 9 शनिवार लगातार करना है। 9 शनिवार आते आते आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा। 2 महीने के अंदर आप देखेंगे आपका जीवन कर्ज से मुक्त होता जा रहा है, आपकी कर्ज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।